असलामुअलैकुम, किचन मेरी किचन में आपको खुश आमदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है झटपट रायता। इसके लिए मुझे दही चाहिए आधा किलो, मैंने फेंट के रखा हुआ है इसको। आप हैंड बीटर के साथ अच्छा सा इसको फेंट लीजिए। ये बहुत जल्दी से क्विक बनने वाला है और इसको आप बनाइए सुबह में आराम से। और इसकी जो टेक्निक ये है कि आप शाम तक इसको रखें, खट्टा नहीं होगा। इसके अंदर जो खास एक इंग्रेडिएंट जाएगा वो मैं आपको शेयर करती हूँ। लहसुन जाएगा पाउडर हमारे पास 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1/4 टीस्पून पाउडर पिसी हुई, ये देख रहे हैं आप ग्रीन्स है। ये पुदीना ड्राई करके मैं खुश करके पीस लेती हूँ छाँव के अंदर, तो ये जो है इसी तरह ग्रीन कलर इसका रहता है। सॉल्ट जाएगा मेरे पास 1 टीस्पून, ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ जाएगा 1/2 टीस्पून, और ये जो आप देख रहे हैं ये है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से इसमें खटास नहीं आती, चाहे आप इसको 4-6 घंटे 8 घंटे फ्रिज में रखें आराम से, दूसरे दिन भी यूज़ करेंगे तो खट्टा नहीं होता। प्याज चॉप की भी तकरीबन 1 अदद है। ये झटपट बनता है, कुछ ना हो और ये चीज़ें आपके पास मौजूद हो, आप जल्दी से फटाफट रायता बनाइए। और ये ऐसा है कि इसी में आप दही फुलकियाँ भी छोटी डालें, बूंदियाँ जो होती हैं वो भी बहुत मज़े की लगती हैं इस रेसिपी के साथ। अच्छा, ये डाल दिया मैंने लहसुन, काली मिर्च और ये पुदीना, लहसुन, ज़ीरा भुना पिसा, कॉर्नफ्लावर, सब चीज़ें बस आपने मिक्स करनी है और फटाफट से आपका रायता जो है वो तैयार हो जाएगा। प्याज अच्छी सी फाइन चॉप कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसमें ऊपर से हरा धनिया काट के या पुदीना डालना हो तो डालें, लेकिन ये जो मैं पुदीने का पाउडर बना के बता रही हूँ आपको, इससे बहुत मज़े का बनता है। बस ये सारी चीज़ें मिक्स करी आपने और ये देखिए एक अच्छा सा रायता, किसी भी आप तहरी के साथ, मटर पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, जिसके साथ आप चाहें इसको सर्व करें। मैं आपको इसको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। बस ये रेडी हो गया हमारे पास, मैं इसको प्रेजेंट करती हूँ। जी व्यूअर्स, देखिए हमारा ये जो है वो झटपट रायता तैयार है। इसको इस तरह से पुदीने के साथ आप प्रेजेंट कीजिए और किसी भी राइस की डिश के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको इंजॉय कीजिए। ये झटपट बनने वाला फटाफट रायता है और इसका टेस्ट भी बहुत, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। किसी भी चीज़ के साथ इसको इंजॉय कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। हमेशा यही कहूँगी कि अपना बहुत ख्याल रखिए और ईट हेल्दी फील हेल्दी।